मुगल काल से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 20+ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल काल का जो शासन काल रहता है वो कब से कब तक रहता है। तो इसका उत्तर होगा 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल का कार्यकाल रहता है, यानी कि मुगल वंश का कार्यकाल रहता है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर मुगल वंश का संस्थापक की हम बात करें तो बाबर था, और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में के बाद मुगल वंश की नींव डाली थी। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, तो आपको पता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो अभी हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि बाबर और इब्राहिम लोधी, नेक्स्ट है आगे हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें कहता है बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर का जो शासन काल रहता है वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने सुप्रसिद्ध तुलगामा नीति का जो प्रयोग है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फारसी मुगल काल की राजभाषा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बाबर के बाद शासक कौन बना। कहने का मतलब है मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद शासक कौन बना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर का बेटा जिसका नाम था हुमायूं बना था। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। जैसे कि पहले हम लोग देखें पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जबकि अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई की हम बात करें तो 5 फरवरी 1556 में हुआ था, और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड अथवा GT रोड कह सकते हैं जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आईन ए अकबरी की रचना किसने किया था। तो आईन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था, और आईन ए अकबरी जो है अकबर का जीवन परिचय अथवा कह सकते हैं कि अकबर का जीवनी है एक तरह से। अगला क्वेश्चन और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे जिसमें कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूं नामा की रचना। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड किससे जोड़ती है। तो पहले देखें हम लोगों ने कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है यानी कि GT रोड इसका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, और यह रोड जो है वो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है, अर्थात कोलकाता से अमृतसर तक का जो रोड है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकमात्र हुमायूं ऐसा शासक था जिन्होंने 2 बार शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम बिहार में स्थित है। तो सासाराम बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का बचपन में इसका संरक्षक बैरम खान था। कौन था, बैरम खान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे जो बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है कि अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था वह कालानोर में हुआ था। नाम क्या था, तो मुस्लिम जो मुमताज महल थी उसका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था, इसी के याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम की किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, तो बाबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो फरीद खान शेरशाह का बचपन का नाम था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके